हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही है कि मुझे और अनुज को इंडोर प्लांट्स कितने ज़्यादा पसंद है, और आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो कि मैं कौन कौन से इंडोर प्लांट्स रखती हूँ, उनका केयर कैसे करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को मेरे इंडोर प्लांट का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट्स है और आप इजिली उनको इंडोर रख सकते हो। इवन कनाडा की ठंड में ये इंडोर प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे इंडोर प्लांट्स का नेम बताऊंगी, उसको कैसे मैं मैनेज करती हूँ वो बताऊंगी, और उसके बाद एंड में आप लोगों को मैं कुछ टिप्स दूंगी जिसको यूज करके आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हो, खुश रख सकते हो, लाइवली रख सकते हो। इंडोर प्लांट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, स्पेशली रेंटेड हाउस में जहां हमारे पास होम डेकोरेशन के बहुत सारे तरीके नहीं होते। आप इंडोर प्लांट से अपने घर को बहुत इजीली सजा सकते हो, किसी भी कॉर्नर में रख दो, किचन शेल्फ पे, विंडो के साइड पे, कॉफी टेबल पे, हर जगह बहुत ही अच्छे लगते हैं, घर को लाइवली बनाते हैं। और जब आप प्लांट रखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल थेरेपी के जैसे वर्क करते हैं। ये सारे प्लांट्स खरीदने से पहले मैंने पूरी रिसर्च करी थी और वो सब कुछ मैंने इस डायरी में नोट डाउन किया है, और इस रिसर्च के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफी सारे रिसर्च के बाद नासा में ये प्रूव हुआ है कि कुछ इंडोर प्लांट्स बहुत ही अच्छे एयर प्यूरिफायर होते हैं। सो इस तरह से वो आपके घर के एनवायरमेंट को बहुत ही क्लीन और पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं। ये है जीजी प्लांट, इसको केयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, बहुत इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है, 15 डेज में आप एक बारी वाटर दोगे इनफ होता है। इसको डायरेक्ट सन में नहीं रखना चाहिए, आप इसको ऐसे एरिया में रखो जो ब्राइट तो हो बट वहां पे डायरेक्ट सन ना आए। ये है रबर प्लांट, ये बहुत छोटा सा प्लांट मैंने लिया था, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बिग रबर प्लांट लो, क्योंकि रबर प्लांट को ग्रो करने में काफी टाइम लग जाता है। मुझे पता नहीं इतना छोटू सा प्लांट कब तक बड़ा होगा, बट मुझे मिल नहीं रहा था, अपने कॉस्ट में काफी एक्सपेंसिव हो रहा था, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्लांट लिया। बट अगर आपको अच्छे प्राइस में बिग रबर प्लांट मिलता है तो आप वो जरूर लो, आपके स्पेस को एक हाइट प्रोवाइड करता है और इसके लीफ बर्गंडी कलर के होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसको मॉइस्चर की जरूरत होती है, इसलिए इसका सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए, ओवर वाटर नहीं करना है, बट हाँ इसको ड्राई भी नहीं करना है। रबर प्लांट को भी डायरेक्ट सन में रखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे जगह पे रखो जो कि काफी ब्राइट हो, इनडायरेक्ट सन आता हो। इस प्लांट का नाम है क्रोटोन और बहुत ही कलरफुल प्लांट है ये, और इसके पत्ते डिफरेंट शेड्स में मिलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आता है ये, और इसके सॉइल को मॉइस्ट रखना होता है और ब्राइट लाइट में रखना होता है। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो, बट अगर आप इसको डार्क में रखोगे ना तो इसके लीव्स के जो कलर हैं वो लाइट होते जाएंगे, इसलिए ऐसे स्पेस में रखो जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। और ये है वन ऑफ माय फेवरेट, इसका नाम कलेडियम है, और इसके लीव्स देखो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है, एरो शेप्ड लीव्स होते हैं इसके, और इसके दो तरह के शेड्स होते हैं, एक तो इस तरह में मिलेंगे आपको ग्रीन और रेड के शेड में, और एक होता है जो सिर्फ ग्रीन होता है, लाइक लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है और ये हॉट वेदर में ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, इसको इनफैक्ट आप समर टाइम पे बाहर भी रख सकते हो और ये डायरेक्ट सन में भी अच्छे से ग्रो कर। इस प्लांट को भी बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, आप चेक कर लो, जब भी आपको लगे कि सॉइल ड्राई हो रहा है आप तभी पानी डालो, आई थिंक वंस इन 3 to 4 days इनफ होगा पानी डालने के। और ये है
स्पाइडर प्लांट। ये प्लांट अगर आप हैंगिंग में रखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप विंडो साइड पे इसको टॉप में हैंग करके रखो, क्योंकि इसके जो लीव्स है वो नीचे की तरफ फॉल करते हैं और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बिल्कुल स्पाइडर के लेग्स के जैसे एक्चुअली। बट आई नो स्पाइडर से बहुत लोगों को डर लगता है, बट आई एम श्योर इस प्लांट से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इस प्लांट को भी डायरेक्ट सन में रखने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट इनफ होता है इसके लिए। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि इसके एजेस ब्राउन हो रहे हैं तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसको सन बहुत ज्यादा मिल रहा है या फिर पानी कम मिल रहा है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मॉर्निंग के टाइम पानी दें, ताकि दिन भर अगर उसे हीट मिलता है, सनलाइट मिलती है, तो वो उसे सर्वाइव कर सके। टाइम टू टाइम स्पाइडर प्लांट में ऐसे पप्स निकलते हैं, तो आप डेली प्लांट को वाटर मत दो, बट इन पप्स पे हल्का सा पानी स्प्रे करना जरूरी होता है, तभी ये अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्रेश रहते हैं। या फिर इनको आप कट करके न्यू प्लांट भी प्रोपोगेट कर सकते हो। अगर आप उनमें से हो जिन्हें घर में इंडोर प्लांट तो रखना पसंद है बट आप पानी डालना भूल जाते हो, तो आप ये प्लांट रख सकते हो, स्नेक प्लांट, क्योंकि इस प्लांट को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इसको किल कर ही नहीं सकते, या चाहो भी तो किल नहीं कर सकते। आप 15-20 डेज, इवन 1 मंथ तक भी अगर इस प्लांट में पानी नहीं डालते हो, फिर भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। इसको ड्राई सॉयल पसंद है, इसीलिए इसको बहुत कम पानी डालना होता है, और ये भी एक ग्रेट एयर प्यूरिफायर है। इस प्लांट का नाम है पीस लिली, और इसमें एक ब्यूटीफुल सा व्हाइट फ्लावर होता है, और मेरा फ्लावर इसलिए ग्रीन हो गया है क्योंकि इसको मैंने बहुत ज्यादा सनलाइट में रख दिया था। और जो फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट होता है, जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तब इसका वाइट कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं रखना चाहिए, इसको आप डार्क में रख सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर है, इजी टू केयर है, और मीडियम टू लो सनलाइट में ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। अंडर वाटर कंडीशन में ये ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, और इसको ड्राई सॉइल ही पसंद है। तो आप बहुत ज्यादा पानी मत डालो, आप फिंगर एंटर करके देख लो कि सॉइल ड्राई है या नहीं। जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, तभी आप पानी दो। आई थिंक वंस अ वीक पानी डालोगे तो इज एनफ फॉर पीस लिली। और ये है मेरे प्लांट फैमिली का ब्रांड न्यू एडिशन। ये प्लांट मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, बट मुझे हर जगह बहुत ही बड़े साइज का मिल रहा था ये प्लांट, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ये इतना छोटा प्लांट मुझे फाइनली वॉलमार्ट में मिला $24 का, अदरवाइज मुझे जहां भी मिल रहा था इट वॉज मोर देन $70। और आप बहुत बड़ा प्लांट लेना चाहते हो, प्लीज गो फॉर इट, बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लगता है। आप काउच के साइड में इसको रख दो, आपका पूरा लिविंग रूम इतना मॉडर्नाइज और इतना नेचुरल लगेगा। आई एम श्योर आपके जो भी गेस्ट आएंगे ना, वो आपसे जरूर पूछेंगे कि इस प्लांट का नाम क्या है। सो मैं आपको बता दूं, इस प्लांट का नाम है फिडल लीफ फिग। ये ह्यूमिडिटी रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आपके घर में किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है आपके घर के लिए। इस प्लांट को डार्क में नहीं रखना चाहिए, ये ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, और इनको ह्यूमिड और वार्म एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। इस प्लांट का नाम है डंकन, इसको डायफेनबाकिया भी बोलते हैं। इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, ब्राइट लोकेशन इसको पसंद है, और जब तक सॉइल ड्राई आउट ना हो जाए इसको पानी नहीं देना चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है। इस प्लांट का नाम है मनी ट्री। मैंने सुना है कि इसे घर पे रखना लकी मानते हैं, आई एम नॉट श्योर, हमने तो बस इसलिए लिया था क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसका सॉइल जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, आप चेक कर लो, तब जाके इसको पानी डालना होता है, लाइक वंस अ वीक एनफ है पानी। का नाम है फाइकस बेंजामिना, और ये ब्राइट लाइट पे अच्छे रहते हैं, डायरेक्ट सन इसको भी नहीं चाहिए होता है, और वाटर थरली करना चाहिए ताकि इसके रूट्स तक अच्छे से पानी जाए।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सबसे अपना सबसे फेमस मनी प्लांट. इंडिया में इसे मनी प्लांट बोला जाता है बट इसका रियल नेम पैथोस है और ये भी डिफरेंट शेड्स में आपको मिलेंगे. डार्क ग्रीन लीव्स होते हैं, लाइट ग्रीन लीव्स होते हैं. अगर आप इनको ज्यादा सनलाइट में रखोगे तो इनके लीव का कलर थोड़ा लाइट हो जाता है. इसको भी बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती, 4-5 days में एक बार ही एनफ होता है. जब सॉइल ड्राई हो जाए आप तब डाल दो. इसको आप पानी में भी रख सकते हो और सॉइल में भी प्लांट कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ सॉइल में प्लांट करना, वो ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं. इसको आप एज अ क्लाइंबर भी बना सकते हो या फिर बिल्कुल टॉप में विंडो साइड पे हैंग करके जब इसके लीव्स और स्टेम्स फॉल डाउन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है हमारे घर के कॉर्नर को. अगर आपके पास एक मनी प्लांट है और वो काफी बड़ा हो गया और अच्छे से ग्रो कर रहा है तो आप उसका छोटा सा एक स्टेम कट करके पानी में रखोगे तो थोड़े दिनों में ही उसमें रूट आ जाता है और फिर आप उसको सॉइल में प्लांट करके न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो. तो बहुत इजी होता है मनी प्लांट को प्रोपोगेट करना. जनरली मुझे ये क्वेश्चन आता है कि सुची मेरे इंडोर प्लांट सर्वाइव नहीं करते, ऐसा क्या करूँ, कैसे केयर करूँ. कुछ एक रीजंस हैं जिसके कारण हमारे प्लांट्स मोस्टली डाई हो जाते हैं. यहाँ पे मैं कुछ एक टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हो, हैप्पी रख सकते हो. इंडोर प्लांट्स के खराब होने का मेन रीजन दो ही होता है, या तो उसको एक्सेस सनलाइट मिल रहा है या फिर एक्सेस वाटर मिल रहा है. मोस्टली इंडोर प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, तो आप हमेशा अपने फिंगर सॉइल में डाल के देखो. जब आपको लगे कि सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुका है तभी आप पानी डालो. अगर सॉइल मॉइस्ट है और आपके हाथ में स्टिक हो रहे तो फिर उसको पानी की जरूरत नहीं है. हम हमेशा बहुत ज्यादा केयर करने के लिए पानी डाल देते हैं, सन के पास रख देते हैं, बट ऑनेस्टली बताऊं इंडोर प्लांट्स को बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है. जस्ट उसे एक कॉर्नर में रखो, उसको रोज दिन अप्रिशिएट करो, उससे बातें करो और बस भूल जाओ. अगर उनके लीव्स ब्राउन हो रहे हैं और येलो हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं ज्यादा जल्दी, तो इसके दो ही रीजन है, या तो उसको बहुत ज्यादा सनलाइट मिल रहा है या फिर पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है. तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि उसे ब्राइट स्पेस पे तो रखना होता है पर डायरेक्ट सनलाइट उस पे फॉल नहीं होनी चाहिए, इससे लीव्स जल जाते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम प्लांट को नर्सरी से या शॉप से लेके आते हैं तो उनका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे काफी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते और इसको प्लांट शॉक बोलते हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी ऐसे होता है कि जब भी हमारा लोकेशन चेंज होता है हमें टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए. सेम थिंग प्लांट्स भी हमारे ही जैसे हैं, उनको भी टाइम देना होता है एडजस्ट करने के लिए. तो जब भी आप प्लांट्स लेके आते हो फर्स्ट थिंग उनका पॉट लाते ही चेंज मत करो. आई नो बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि एक सुंदर से प्लांटर में उसको डाल के रखे, बट उसको टाइम दो, 1 to 2 weeks का टाइम दो. उसके बाद आप उसका प्लांटर चेंज कर सकते हो, सॉइल चेंज कर सकते हो. और अगर आपके घर में ऑलरेडी प्लांट्स हैं तो ट्राई करो जब भी आप नया प्लांट लाते हो उसको अकेले मत रखो, दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके साथ में रखो, फिर वो ज्यादा इजिली उस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं और अच्छे से ग्रो करने लगते हैं. प्लांट्स के लीव्स को क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस पे जब डस्ट जमा हो जाती है तो उसके पोर्स क्लोज हो जाते हैं और वो अच्छे से ब्रीथ इन नहीं कर पाते हैं. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होता है और इस वजह से भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं और डेड हो सकते हैं. इसलिए टाइम टू टाइम मॉइस्ट क्लॉथ से या फिर वेट नैपकिन से हमें प्लांट्स के लीव्स को बहुत ही प्यार से क्लीन करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं वो. जो भी प्लांटर आप यूज करते हो ट्राई करो कि उसके नीचे एक होल हो और उस प्लांटर को आप किसी प्लेट पे रखो और जब भी आप वाटर करो तो थरली वाटर डालो उस प्लांट में ताकि पानी बिल्कुल रूट्स तक पहुंच पाए और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इस होल से निकल जाए. अगर होल नहीं होगा और हम बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो सॉइल ओवर वेट हो जाएगा और इससे क्या होते हैं रूट्स खराब हो जाते हैं और फिर हमारे प्लांट्स डेड हो जाते हैं.
यहाँ पे पॉटिंग में एक सॉइल मिलता है तो हम वही यूज करते हैं और हमारा नियरली 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया और हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कोई भी प्लांट अभी तक खराब नहीं हुआ है। तो आप जब भी सॉइल लेने जाओ मेक श्योर कि वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। आप पूछ लो नर्सरी में या फिर जो भी प्लांट शॉप है आप वहां से पूछोगे आपको पता चल जाएगा। वेल ड्रेन्ड सॉइल वो होता है जो बहुत क्विकली या बहुत स्लोली वाटर को ड्रेन नहीं करता है। अगर सॉइल बहुत क्विकली ड्रेन कर देगा पानी को तो प्लांट को इनफ टाइम नहीं मिलेगा उसे एब्जॉर्ब करने के लिए और फिर वो डाई हो सकता है। एंड सेम थिंग अगर सॉइल काफी देर तक पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है तो फिर प्लांट का जो ऑक्सीजन इनटेक है वो रिड्यूस हो जाता है और इस कारण से भी प्लांट डाई हो सकते हैं। So, ये था मेरा इंडोर प्लांट कलेक्शन और कुछ टिप्स जिसको यूज करके आप अपने प्लांट्स को बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी रख सकते हो। इंडोर प्लांट्स आर ग्रेट फॉर होम डेकोरेशन एंड एयर प्यूरिफायर। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थम्स अप जरूर देना अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और यूजफुल लगी है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखे, खुश रहे, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय, सारे प्लांट्स की तरफ से बाय बाय।